दोस्तों, आपको सब काम बताने से पहले भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर चलते हैं काम पे। ठीक है दोस्तों, बताने के लिए ठीक है दोस्तों। तो ये आप पहले दर्शन कर लें, अगर भगवान को आप मानते हैं तो। हम तो मानते हैं दोस्तों, हमारा माता पिता भी मानते थे। ठीक है दोस्तों, हमारा बच्चे भी मानते हैं। ठीक है, तो दर्शन करके फिर चलते हैं, काम की बात करेंगे कि स्टील की वेट कैसे निकाला जाता है और उसका जो है इंच और एमएम का क्या कैसे फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल से, जो स्टील का फार्मूला होता है, स्टील की फार्मूला जैसे एक मीटर में कितना किलो आता है वो निकालने की सारी हम विधि बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसमें क्या है दोस्तों कि जो नए मान लीजिए इंजीनियर हैं, पढ़ के आए हैं, जो नए सुपरवाइजर है उनके लिए ये सारे काम देगा, सिविल फोरमैन के लिए काम देगा ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, स्टील का बारे में बताएंगे कि एक मीटर में कितना केजी आता है, एक फुट में कितना केजी आता है। ठीक है दोस्तों, ताकि घर बनवाने में आसानी से आदमी निकाल सके अपनी कैलकुलेटर करके। ठीक है दोस्तों, जब तक आप हमारी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है कृष्णानंद झा एंड ललित झा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंच और उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों तो हम बात करेंगे स्टील एक मीटर में कितना होता है। ठीक है दोस्तों, सिविल का फार्मूला जो है ये दोस्तों, ये बहुत अच्छा वाला फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब जो है स्टील की जो डेंसिटी होता है दोस्तों, वो 7850 केजी होता है, यानी 7850 केजी। ठीक है दोस्तों, 7850 केजी फार्मूला होता है। जब अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो साइड पे चलता है 8 mm की सरिया, 10 mm की सरिया, 12 mm की सरिया, 20 mm की भी चलता है, 16 के भी चलता है, और 25 की भी, 28 की भी, 32 की भी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो घर के हाउसिंग वगैरह में चलते हैं, लेकिन जो 40 का चलता है वो मेट्रो वगैरह में काम आता है। लेकिन लागू सेम यही फार्मूला सब पे होता है, चाहे 8 mm की हो, चाहे 10 का हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, 28 हो, 32 हो, 40 हो, सब पे यही फार्मूला लागू होगा। अब दोस्तों हम इस पे जो लागू करते हैं, जैसे ये जो है डाया, ये डी डी डाया, डी से डाया, और ये जो है 162, ये जो है उसका दोस्तों, वो उसका जो है फार्मूला है। ठीक है, उसका क्या है फार्मूला है। अब जैसे हम बात करेंगे, एग्जांपल है जैसे कि 8 mm की स्टील है ये, 8 × 8। ठीक है दोस्तों, 8 × 8 ये क्या हो जाएगा, बराबर 64/162। तो ये कितना आ गया, 0.395 केजी। ठीक है दोस्तों, अब हम ये तो मीटर में बताएं, अब फुट में बताएंगे। जैसे 8 mm, 8 × 8 64। ठीक है, इसको इसका फार्मूला है 533, यानी 533। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है कि 533 है। तो हम इससे कर देंगे, इसको जब करेंगे ये, तो ये आएगा 0.120, यानी 120। ठीक है दोस्तों, पर फिट का ये वजन है आपका। ठीक है दोस्तों, ये पर फिट का है और ये पर मीटर का है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि इसकी फार्मूला में क्या है। कोई भी सरिया हो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कहीं भी हो, प्रोजेक्ट में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, बैठ के निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है दोस्तों क्या है, हम इंच में बात करेंगे। अब इंच के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, सिविल साइट विजिट के लिए जो है आपको मैं बताया कि इस पे आप जो है आके देखिए, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, यानी अगर हम इसको बोलें इंच में, तो 200 ये जो है
एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 254 भी हो जाएंगे फिर, ठीक है। और अब जो है, एक इंच में सूत, आठ सूत, एक इंच में कितने होते हैं, आठ सूत होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक फीट 12 इंच का होता है, एक फीट जो है वो 12 इंच का होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक मीटर बराबर 3.28 फीट होता है, ठीक है दोस्तों। एक मीटर 3.28 फीट होता है, एक मीटर 39.37 इंच होता है, ठीक है। एक मीटर में 39.37 इंच आते हैं। यार्ड तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में भी बताया गया था, एक यार्ड 3 फीट के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें कहना चाह रहा था कि मेरे को इसमें इसलिए बना के देना पड़ रहा है कि अभी हमारे पास बोर्ड का वो है नहीं जुगाड़, तो इसमें ही दे लिख के दे रहे, नहीं तो क्या होता है, स्टडी रूम बनता है, बोर्ड पे लिखा जाता है, बोर्ड पे लिख लिख के समझाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से, और आप अपना भी ये जो है ज्ञान लीजिए यहाँ से, जो ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके काम का है चीज़ आप ले सकते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इंच में जो इंच होता है उसको एमएम में कैसे बदलें, और जो एमएम है उसको हम इंच में कैसे बदलें, तो उसका फार्मूला आता है दोस्तों 25.40, 25.40, ठीक है दोस्तों। इसकी फार्मूला में अब क्या है कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ लिखा है एमएम से इंच में कैसे बदलें, ठीक है दोस्तों। अब 100 mm का कितना इंच होता है, तो ये दोस्तों आएगा 3 इंच। ये जो है दोस्तों सूत है, सूत में क्या होता है दोस्तों, इंच में 2 डंडे पड़ते हैं और सूत में 3 डंडे पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सूत में बदला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, सूत, और ये हो गया इंच। तो एक 100 mm में 3 इंच 15-16 सूत के ऑब्लिक में दे रखा हूँ आते हैं। अब क्या है दोस्तों, 200 mm सेम आ गया 7 इंची, 8-7 सूत, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है 1000 mm 39.38 सूत, ठीक है दोस्तों। 1530, तो ये 60 इंच 1 4 की आ गया सूत, ठीक है दोस्तों। ये सूत है और ये इंच है, पहले भी बताया इंच में 2 डंडे लगते हैं, सूत में 3 डंडे लगते हैं, जो कि आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 डंडे लग गए ना, 3, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही 3 डंडा जो है सूत का होता है। अब जैसे दोस्तों हम फिर बात करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 2230 mm, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा जो हो जाएगा, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ पिक्चर क्वालिटी को। अब ये जो है दोस्तों देखिए 87 इंच 13/16 आ गया सूत, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंच और एमएम में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे एग्जांपल लिया कि ये है 36 इंच, तो 36 × 25.40 बराबर 914 mm, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आता है, ठीक है दोस्तों। आप तो समझ गए होंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करें, इसके लिए शॉर्ट में हमने आपको सारी चीज़ बता दिया है, आप समझ गए होंगे। और आप चाहो तो इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो इन चीज़ों को, ताकि कि आपको सब चीज़ काम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लिख लिख के बनाया है, ठीक है, हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।